क्वेश्चन में इफ आई एम नॉट रॉन्ग द वैल्यू वॉज 0.6 वोल्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? और यहाँ पे वी वर हैविंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. दिस इज इन्वर्टिंग टर्मिनल, दिस इज नॉन इन्वर्टिंग. मैन द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू फाइंड इज वेदर वी हैव निगेटिव फीडबैक और नॉट. यहाँ पे देखो निगेटिव फीडबैक है मतलब वी जी सी इज वैलिड. निगेटिव फीडबैक है मतलब वी जी सी इज वैलिड. यहाँ पे VGC वैलिड हो जाएगा. VGC वैलिड मतलब जो पोटेंशियल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है वही पोटेंशियल इन्वर्टिंग टर्मिनल पे भी होगा. तो यहाँ पे भी पोटेंशियल हो जाएगा VI, विच इज 0.6 वोल्ट. अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दो, वी नो दैट कि इनसाइड द ओपैम्प द करंट इज ऑलवेज जीरो. ये आइडियल कंडीशन में हम मानते हैं कि इनसाइड बेसिकली जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है. दैट्स वाई वी कंसिडर देर इज नो करंट flowing inside the op-amp. So whatever current we are having, यहाँ पे देखो कोई भी load connected नहीं है. अगर यहाँ पे एक resistance connected होता जो grounded होता तो there was some possibility कि यहाँ पे कुछ current flow होगा. Since we do not have any load or something attached here, तो यहाँ पे भी कुछ current flow नहीं होगा. यहाँ पे भी current कितना होगा? Zero. We are measuring potential at this point. तो जो भी करंट वो चाहे इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो, आई डोंट नो वो अंदर की तरफ बाहर की तरफ कैसा होगा. वो या तो ऐसे ट्रैवल करेगा ये, या तो अदर हैंड. दो ही रास्ते हैं करंट के पास, या तो ऐसा. यहाँ पे जो भी करंट फ्लो देखो इस वाले रेजिस्टेंस में होगा वही करंट इस वाले रेजिस्टेंस में भी फ्लो होगा. वाई? बिकॉज 120 ओहम एंड 1.5K वाला जो रेजिस्टेंस है they are in series. Whatever current we are having, the current will be same for both. तो यहाँ पे देखो एक potential VI है, यहाँ पे potential zero है. Current ले लेते हैं I, तो आप यहाँ पे I को क्या लिख सकते हो? VI divide by 120 ohm. VI कितना है? 0.6 volt if I'm not wrong. 0.6 volt ही अगर आपका वो हुआ तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? 100 का multiply कर दो तो ये हो जाएगा 16 divide by 2 और नीचे आ जाएगा 1000. ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा 10 पावर -3 विच इज मिली एम्पियर, और ये हो जाएगा 5 मिली एम्पियर.